तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में कुश्ती की लहर यहाँ पर दौड़ पड़ी है और लाज संभव जाने किस तकनीक के द्वारा इस महामारी का इलाज हो सकता है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि लोहा लोहे को ही काटता है, तो इस पर ही यहाँ पर भारतीय विज्ञानों के लिए भारतीय जो डॉक्टर संघ को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। ठीक हुए व्यक्ति के खून से 4 लोगों का इलाज संभव है, ये बड़ी खबर है। ये यहाँ पर भारत ने एक नई तकनीक यहाँ पर इजाद की है और यहाँ पर बड़ी खबर है इस महामारी को लेकर कि व्यक्ति के खून से जो यहाँ पर ठीक हुआ है व्यक्ति इस महामारी को लेकर, उसके खून से 4 लोगों का इलाज संभव किया जा सकता है। 13 अप्रैल की ये बड़ी खबर है और क्या है पूरी तकनीक आपको दिखाते हैं। देखिए, कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों के रक्त प्लाज्मा से अब इस रोग से पीड़ित अन्य मरीजों का उपचार किया जा सकता है, ये बड़ी खबर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इस रक्त प्लाज्मा से इस रोग के मरीजों के उपचार के ट्रायल की अनुमति दे दी है, तो बड़ी खबर यहाँ पर है। एम्स के मेडिकल विभाग के प्रोफेसर नवल विक्रम ने बताया कि कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के खून से कोरोना पीड़ित 4 लोगों का इलाज किया जा सकता है, बड़ी खबर है। अब ये काम किस प्रकार से करती है इस पर भी यहाँ पर खबर है। एम्स के मेडिकल विभाग ने प्रोफेसर डॉक्टर नवल विक्रम के मुताबिक यह उपचार प्रणाली इस धारणा पर काम करती है, मरीज जो किसी संक्रमण से उभर जाते हैं उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने के प्रतिरोधक एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इसके बाद नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीजों का खून डालकर उन एंटीबॉडीज के जरिए नए मरीजों के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। तो ये भारत जो है यहाँ पर रक्त प्लाज्मा तकनीक से इस महामारी का इलाज खोजने में बहुत जल्द सक्षम हो सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। फिलहाल ये बड़ी खबर यहाँ पर है। वहीं कोरोना से बीमार मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए लगभग 200 मिलीलीटर एक प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ठीक हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा 4 लोगों के उपचार में मददगार हो सकता है, बड़ी खबर है। उन्होंने बताया कि यह सभी रोगियों को देने की जरूरत नहीं है। बताया जाए जा रहा है कि जिन रोगियों की तबीयत ज्यादा खराब है उन्हें ही यहाँ पर ये जो है इस तरह की इलाज ठीक कराई जा सकती है। अभी देश में ठीक हो चुके रोगियों की संख्या बहुत कम है जबकि नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नवल विक्रम के मुताबिक पहले भी सार्स और स्वाइन फ्लू जैसे कई संक्रमण रोगों में इसका इस्तेमाल हो चुका है, तो ये बड़ी खबर यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ और यहाँ पर जानकारी है, ठीक मरीज से 14 दिन बाद ही लिया जा सकता है प्लाज्मा। प्रोफेसर नवल विक्रम के मुताबिक किसी मरीज के शरीर से प्लाज्मा एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 14 दिन के बाद ही लिया जा सकता है और इस रोगी का कोरोना टेस्ट एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ठीक हो चुके मरीज का एलिजा टेस्ट भी किया जाएगा ताकि यह पता लग सके कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा कितनी है। इसके अलावा प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति की पूरी जाँच की जा सकती है कई उसे और अन्य बीमारी तो नहीं है। तो ये बड़ी खबर जो है भारतीय डॉक्टर को यहाँ पर हाथ लगी है। प्लाज्मा तकनीक से अब भारत जो है यहाँ पर इस महामारी को निपटने के लिए लड़ाई कर रहा है और 4 लोग अगर एक लोग ठीक होने के बाद 4 लोगों को अगर ठीक कर देता है तो ये बड़ी कामयाबी भारत को लग सकती है। इसकी जो है पूरी जांच यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ी खबर है कि इसकी अभी फिलहाल पुष्टि बाकी है, बाकी इसके लिए जो है यहाँ पर कई बड़ी जो यहाँ पर ICMR जो है उसकी अनुमति दे चुका है। तो ये बड़ी खबर भारत को लग चुकी है हाथ कि यहाँ पर इस महामारी से निपटने के लिए भारत जो है नई नई यहाँ पर औषधि इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब प्लाज्मा तकनीक कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।